dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जो भी स्टार पिन के लिए मैं बता देता हूँ कि स्टार पिन के लिए सर भी आ जाएंगे साथ में, स्टार पिन के लिए आ जाएंगे 3.5 लाख बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस 3.5 लाख का है। तो अभी स्टार पिन से हम कहेंगे कि अधिक समय ना लें और बहुत अच्छा है, और जो है मुझे घेर लिया स्टार से नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा दोनों तरफ से। और एक एक मिनट मैडम को भी बुला लें सर, एक एक मिनट जो है अपना संदेश देंगे। 3.5 लाख का बिजनेस होता है स्टार पिन में, और एक एक मिनट का आप समय जरूर देंगे। थैंक यू सर। नमस्कार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए सर के लिए, मेरे गुरुदेव सतीश सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो मेरे को हर जगह टेक्निकली बताएं, डॉक्टर विजय रंजन सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे चीफ गेस्ट आज के काशीनाथ सर के लिए एक जोरदार तालियां। और कंपनी के फाउंडर माननीय टीसी चावड़ा, जिनका जो विजन है, जिस विजन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। मेरी ये छोटी सी पिन है, स्टार की पिन। स्टार की पिन है, और रिसेंटली मैं ये पिन को क्रैक किया हूँ मार्च में, अभी 2 महीना हो रहा है। मेरी जो जर्नी थी 28 मई 2020 की ज्वाइनिंग है मेरी, और ज्वाइनिंग भी आप लोग भी जानते हैं, मैं कहीं प्लान दिखाने तो इतनी आसानी से सुनने वाला नहीं है, जुड़ने वाला नहीं है। मैं भी सतीश सर के पास गया था, लॉकडाउन का समय था, धर्मपत्नी से कुछ अनबन हुई, मैं उठ के चला गया बाहर। मैंने कहा घर में रहूंगा तो झगड़ा होगा, सतीश सर के पास जाके बैठ गया, इनके पास बैठा। 2 सामान में लिया था, एक जूता जो आज तक फटा नहीं, अभी तक पड़ा हुआ है, हो सकता है रॉयल्टी के बाद उसको मैं हटाऊं, वो जूता और कुछ सामान लिया था। सर मेरे को बोले आईडी लगा दो, मैंने मना कर दिया। आप लोग के पास भी कोई जाते हैं प्लान दिखाने, एक बार में कोई नहीं सुनता, मैंने मना कर दिया, सर मुझे आईडी नहीं लगानी। ये बोले सर कोई नहीं, अपनी वाइफ के नाम से लगा दो। मैं बता रहा हूं अपना, मैं अपना पिन छुड़ाने के लिए, मैंने कहा ठीक है सर दे दो, वाइफ को मैंने बोला दे दो यार अपना फोटो आधार, जो भी इन्होंने मांगा मैंने दे दिया, एक ओटीपी आया, हमारा आईडी जनरेट हो गया। आईडी जनरेट होने के बाद मई के बाद जून, यहाँ इतने साथी बैठे हैं, अभी सरस्वती मैडम सभी लोग बता रहे थे कि डायमंड क्लब करना है 5000 बीबी। जून से मैं कंटिन्यू डायमंड क्लब किया हूं, और जिसका नतीजा है कि मुझे ये डायमंड का पिन मिला हुआ है, ये डायमंड क्लब का मुझे पिन मिला हुआ है, मैं कंटिन्यू किया हूं और करते रहता हूं मैं डायमंड का, ये मुझे पिन मिला है पूरे। और यहाँ पे सर भी हैं, और ये पिन दिलाने में सर का योगदान था, और डॉक्टर विजय रंजन सर का, ये भिलवाड़ा से ये पिन मुझे मिला है। जर्नी चलती रही, पहली इनकम 88 रुपए, जो 100 होती है, 500 से नीचे इनकम नहीं आती है, 88 रुपए मेरे मोबाइल पे 100 हुआ, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सर के पास गया, सर बोले 1 0 बिठा दो। अब सोचने वाली बात है कि 88 रुपये 880 में होगा, इन्होंने कहा हो जाएगा। वो 2 अंक कब 3 अंक में कन्वर्ट हुआ, 4 अंक में, 5 में हुआ पता नहीं, जैसे जैसे गुरुदेव बताया मैं वैसे करता रहा। अभी क्रैक किया हूँ सितंबर, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपने गुरुदेव का पिन लूं, मुझे गोल्ड नहीं, मुझे स्टार गोल्ड की पिन चाहिए, क्योंकि जब मैं इनके पिन पे जाऊंगा तभी ये अपने आप इनका पिन देंगे, तो मुझे इनका पिन चाहिए और मैं इनके पिन के लिए फाइट कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, जय आरसीएम। मेरा नाम निशा सिंह है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, छपरा से, और यहाँ मेरा कर्म भूमि है, और मेरे हस्बैंड ब्रजभूषण सिंह मेरे आईडी पर यही काम करते हैं, और मैं थोड़ा बहुत इनका साथ देती हूँ। और क्या बताऊँ, मैं 3 साल से कोई हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखी, इसलिए पहले मेरे को विजय रंजन सर मिले, और मैं वुमेन के बारे में मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा। मैं फिर भी अंधविश्वास पे ले तो ली, लेकिन मैं तारक हॉस्पिटल में जाके और इसके बारे में पूछी तो वो बोली कि नहीं मैम आप ये खाइए, बहुत अच्छा है,
और वो अपना वो मल्टीविटामिन जो था वो रख ली। तो मैं आके इनसे बोली कि ऐसे ऐसे मैम बोली मैं क्या करूँ, तो खा के देखो एक बार। मैं एक महीने में बहुत अच्छा हो गई, मतलब ऐसा मेरा स्थिति था कि मैं चल नहीं पाती थी, इतना जोड़ों में पेन था, बहुत सारा मतलब शरीर में कष्ट था, लेकिन सारा दूर हो गया। जय आरसीएम, थैंक यू। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। टीसी सर का नारा है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। मेरा नाम पेंडर महतो, दिल्ली में रहता हूँ और बिहार का रहने वाला हूँ। पिछले 16 साल से ऑटो चला रहा हूँ, 16 साल से ऑटो चला रहा हूँ। और थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि 16 साल पहले भी वही इनकम करते थे, आज भी वही इनकम कर रहे हैं, यानी 16 साल का कोई इनकम बढ़ा नहीं। 4 रुपए प्रति किलोमीटर किराया मिलता था, आज 11 रुपए प्रति किलोमीटर किराया मिलता है हम लोग, लेकिन इनकम वही है, इनकम बढ़ा नहीं। आसिम का नाम कभी मैंने सुना नहीं था, डायरेक्शन के बारे में कभी जानता नहीं था। मेरे गुरुदेव डॉक्टर डीजे रंजन सर के माध्यम से मैं प्लान देखा, किसी ने मुझे बुलाया और मेरे गुरुदेव ने प्लान दिखाया। प्लान देखने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। मैंने ठीक है प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट खाना है, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा। उसके बाद से धीरे धीरे समझना शुरू किया इस बिजनेस को, सिस्टम को क्या है नहीं है। तो समझते समझा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, करना शुरू किया। तो जो 16 साल जो मैंने ऑटो चलाया, जो इनकम वही रह गया, 16 साल में भी इनकम वही रह गया है। लेकिन इस बिजनेस में क्या हुआ कि पहला साल जब गुजरा था मेरा, तो पहला साल में 2500 रुपये की इनकम आया था। बड़ा खुश हुआ मैं भी कि 2500 रुपये की इनकम आया एक साल में। दूसरे साल इनकम आया था 12,500 रुपये का, टोटल एक साल में 12,500 का इनकम आया। जो अभी हमारा अप्रैल में बिजनेस का क्लोजिंग हो जाता है, नया साल शुरू हो जाता है, बिजनेस का नया साल अप्रैल में शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने काउंटिंग किया, तो टोटल काउंटिंग किया तो 70,000 हुआ था पूरे एक साल में। तो ये है इस बिजनेस का खूबसूरती कि महंगाई नहीं बढ़ेगा आपको, उसके साथ साथ में इनकम भी बढ़ेगा। पर ऑटो चलाने में जो मेरा खुद का भी व्यवसाय था उसमें ऐसा नहीं हुआ। सपने मैंने शुरू में बड़े बड़े देखे थे, उसमें रोज सोने के बाद सपने देखते थे, सपने में भी देखता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जब धीरे धीरे समझ में आया, सीखना शुरू किया और फिर सपने बनने लगे हैं कि हाँ इस बिजनेस में कुछ किया जाएगा। तो 3 साल हो गया है, अब सपने बन रहे हैं और सपने पूरे भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बस जय आरसीएम इतना ही कहना है मेरा। और आगे मेरी मैडम थोड़ा बोलेगी फोटो क्यों कैसा लगता है, बस यही बोलेगी। सबके नमस्कार, मेरे नाम सरोज है। तेल मसाला भी खा रहे हूँ और धीरे धीरे सबके बता रहे हूँ, सबके अच्छा लगता है तो पसंद करता ले जाते हैं धीरे धीरे। आपको सब बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है और केस करते करते मतलब धीरे धीरे लाइन सब करते हैं। जय आरसीएम, सबको नमस्कार, सारे गुरुजनों को भी नमस्कार। मेरा नाम सरस्वती है, ज्यादा लोग जानते हैं, जो नए लोग हैं वो नहीं जानते होंगे। मुझे प्लान दिखाने वाले डॉक्टर विजयरंजन सर और सतीश सर है, इनको भेजा था मेरा कजन भाई। ये दोनों अपलाइन शुरू में मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, इनके लिए तो जोरदार तालियां होना चाहिए। जब ये प्लान मेरे पास आया तो मुझे जैसे सबको होता है शुरू में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर इतना समझ आया तो कहानी तो चेंज करना है, एक बार चेंज करके देखते हैं। मैं उसी टाइम सर को अपनी आईडी दे दी थी। उसके बाद जब घर में मेरे हस्बैंड आए रात को, तो मैं इनसे बोली कि ऐसे ऐसे है, शुद्ध सामान मिलता है, स्वदेशी कंपनी है, एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखते हैं। तो इन्होंने बोला कि अरे इन सब का प्रमोशन मत करना, होता है जैसे सब कहते हैं कि अरे फालतू के चक्कर है इसमें नहीं पड़ना। तो मैं सर को मना कर दी कि सर नहीं लगाइए मेरा आईडी। फिर 2 दिन बाद ये मुझे आईडी लगा लिए, मैं बोली नहीं आप बोले नहीं तो मैं कहाँ से लगाऊंगी। इन्होंने बोला चलो ऐसा तो है नहीं कि आईडी लगाने के कोई पैसा लग रहा है, आईडी तो फ्री लग रही है, सामान ही
ले रहे हैं समारोह। फिर मैं सर को फोन की कि सर ठीक है मेरा आईडी लगा दीजिए। आईडी लगी, सामान मैं सर ही पहुंचाए, लिस्ट भेजा दी थी मैं। धीरे धीरे सामान यूज करने लगी और करीब करीब मैं 2-3 महीने में ही 100% प्रोडक्ट यूज करने पे आ गई। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा बिजनेस और मुझे स्टाफ निकालने में सारे अपलाइन सतीश सर, डॉक्टर विजय रंजन सर, काशीनाथ सर और स्पेशली एच के सर का सबका हाथ है। जैसे जैसे मेरे अपलाइन बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई और आज मेरा नतीजा यह है कि स्टार पिन पे हूँ। सबसे हाईएस्ट इनकम मेरा 20+ है और आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ। वरना मेरे को क्या हाउसवाइफ को कौन जानता है ज्यादा। हाउसवाइफ के काम क्या जरूरत यही होता है कि घर संभालना, बच्चे पालना। उनकी दुनिया वहीं तक सीमित होकर रह जाती है, वो कभी उससे आगे निकलने के चाहती ही नहीं है। चाहती तो क्या, कोई ऐसा रास्ता ही नहीं मिलता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। पर मुझे ये मंच मिला जिससे कि मैं अपना पहचान बना सकती हूँ और इसमें मेरे स्टार जाने में एक आदमी के भी बहुत बड़ा हाथ है। वो है मेरे हस्बैंड, जिनके लिए तालियां होना चाहिए। एक नशा सवार हो गया था इन पे कि नहीं मैं तुम्हें आगे बढ़ा के चलूंगा। तो कहते हैं ना कि जिस घर में आरसीएम आ गई उस घर के सारे लोग पॉजिटिव हो जाते हैं और जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी सफल भी नहीं होंगे। तो आगे के मैं कार्रवाई के लिए मैं इनकी जुबानी सुनते इनको कैसा लगता है। जय आरसीएम सर, सबको नमस्कार। मेरा नाम दीप प्रसाद है, बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं और मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। 12 से 14 घंटे ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और इनकम वही है जो पहले कमाता था आज भी। और हमारी 2 ID लगी है जो हम आज 12 से 14 घंटे ऑटो चलाकर कमाते हैं, वो पार्ट टाइम में हमारा आरसीएम इनकम उतरा दे रहा है। और 100% हम सामान यूज करते हैं और भविष्य में बहुत उज्जवल आरसीएम बिजनेस है। और हमारा टारगेट है अगले 5 साल में राकेश शर्मा की तरह मर्सिडीज वैन लेने। जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने साथी बैठे हैं कोई मलाइका अरोड़ा से मिलना चाहता है? मलाइका अरोड़ा से कोई मिलना चाहता है? यस। कस के बताइए मलाइका अरोड़ा को कौन कौन जानते हैं? जानते हैं? मिलना चाहते हैं? यस। तो आपको थोड़ा सा छोटा सा काम करना पड़ेगा, 6 पीस गामा लेना होगा। गामा ओरिजिनल और ये है मलाइका अरोड़ा, इनसे आप लोग मिल सकते हैं 20 अगस्त को दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में। 6 पीस गामा लीजिए मलाइका अरोड़ा से, मिलिए और लेके घर में नहीं रखना है। गामा जो यूज करते हैं, जो खाते हैं वो खा सकते हैं और जो सेल कर रहे हैं वो सेल कर दीजिए। मलाइका अरोड़ा से मिलना है तो यहाँ से निकलिए संकल्प करके कि मेरे को भी इससे मिलना है मलाइका अरोड़ा से। मैं तो मिलने जा रहा हूँ, आप लोग चलेंगे मेरे साथ? मैं जा रहा हूँ मिलने। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सबका। बहुत अच्छे आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए और समय की भी मर्यादा। RCM The Dream World, Transforming Lives, Transforming India.